सो गाइस आप सबके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि जिन जिन के अकाउंट लॉक्ड हो रहे हैं फेसबुक के, अब फाइनली सबके अकाउंट अनलॉक हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आपसे कुछ दिन पहले एक वादा किया था कि मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ फेसबुक अकाउंट लॉक के ऊपर, और फाइनली आज मेरी जो रिसर्च है वो कंप्लीट हो गई है मेरे हिसाब से। क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ जिसमें कि ना तो आपको गेट अ कोड बाय ईमेल का ऑप्शन की जरूरत पड़ने वाली है, ना ही गेट अ कोड बाय फोन नंबर की जरूरत पड़ने वाली है, ना ही किसी डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ने वाली है। चाहे आपके अकाउंट पर कन्फर्म योर आइडेंटिटी का ऑप्शन है, लेकिन वहां पर आपको एक अलग से एक न्यू ऑप्शन प्रोवाइड होगा। वो क्या ऑप्शन है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो जो YouTube पर हजारों वीडियो हैं उन सब वीडियो में से एक होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी वॉच कर लीजिएगा, ताकि आज आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाए और आप बिल्कुल रिलैक्स महसूस करें। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं गौरव यूनिक ट्रिक्स। चैनल पर न्यू है, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बिल्कुल रियल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ही देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में भी हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट और चलते हैं उस ट्रिक की तरफ। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वो ट्रिक क्या है। तो दोस्तों अभी क्या था कि एक अकाउंट पर जो है कन्फर्म आइडेंटिटी का ऑप्शन आ रहा था, और उस पर जो है गेट अ कोड बाय ईमेल या गेट अ कोड बाय फोन नंबर किसी का कोई सा भी ऑप्शन नहीं था, सिर्फ उसके अकाउंट पर जो है कन्फर्म योर आइडेंटिटी का ऑप्शन था। लेकिन मैंने उस अकाउंट पर एक ट्रिक यूज की, जिसके यूज करने के बाद उस अकाउंट पर एक न्यू ऑप्शन आ गया, और वो है रिकॉर्ड आ वीडियो का ऑप्शन। आपको साइड में स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस ऑप्शन से अकाउंट को अनलॉक करने का बहुत ही जो है आसान तरीका है, किसी भी लॉक्ड हुए अकाउंट को अनलॉक करने का। क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, अपनी एक जो है सेल्फी वीडियो सबमिट करनी है, और जैसे ही वो सेल्फी वीडियो आपकी कंफर्म हो जाएगी आपका अकाउंट तुरंत ही अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत करना इस वीडियो को, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी वॉच करना और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, धन्यवाद। सो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको वो अकाउंट दिखा देता हूँ जिस पर पहले कन्फर्म योर आइडेंटिटी का ऑप्शन था, लेकिन अब उस अकाउंट पर जो है रिकॉर्ड अ वीडियो योर सेल्फ का ऑप्शन आ गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अकाउंट था वो, इस पर कन्फर्म योर आइडेंटिटी का ऑप्शन था, लेकिन अब आप देख पा रहे हो रिकॉर्ड अ वीडियो ऑफ योर सेल्फ का ऑप्शन आ गया। आपको नीचे रिकॉर्ड वीडियो का ऑप्शन भी दिख रहा है, ठीक है। तो आपको नॉर्मली आप जैसे रिकॉर्ड वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा कहता है कि टेक अ वीडियो सेल्फी, और आप जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर हमें बताता है कि हमें आई के लेवल पर बिल्कुल मोबाइल फोन रखना है और अपनी जो सेल्फी है वो कन्फर्म करनी है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, मैं जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों आप देख पा रहे हो पोजिशन यूर फेस इन द सर्कल। मैं एक बार आपके सर्कल में अपना फेस दिखा देता हूँ कि आपको कैसे कन्फर्म करनी है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ से ये क्या कहता है कि अपने आपको जो अपना फेस है कैसे रोटेट वगैरह करना है वो सब कुछ आपको बता देगा। तो यहाँ से आपको अपना जो फेस वगैरह है वैसे जैसे बताता है वैसे वैसे रोटेट करना है। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करके अपनी जो सेल्फी वीडियो सबमिट कर देनी है। लेकिन ये जो है सेल्फी ये तो वही भाई कन्फर्म करेगा जिसका ये अकाउंट है, मैं आपको बता सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये था कि आपके अकाउंट पर रिकॉर्ड वीडियो सेल्फी का ऑप्शन आ जाएगा, बस इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी वॉच करना, और आपको करना क्या है अब आप वो समझ लीजिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है नॉर्मली, तो गाइस आपको आ जाना है अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में, और दोस्तों क्रोम ब्राउजर में आने के बाद आपको अपना वो अकाउंट यहां पर लॉगिन कर लेना है जो आपका फेसबुक अकाउंट लॉक्ड हो गया है। और दोस्तों उसके बाद आपको नॉर्मली क्या करना है, यहां पर जो भी आपका नेम होगा वो यहां पर शो होने लग जाएगा। आपको लॉन्ग प्रेस इस पर करना है, और आपको नीचे यहां पर जो है वी विल टेक यू थ्रू सम स्टेप टू अनलॉक योर अकाउंट, यहां तक लाकर इसे कॉपी कर लेना है। तो दोस्तों ये ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूं ये मैंने पहले भी बताई हुई थी, लेकिन उन सब ट्रिक से ये ट्रिक बिल्कुल हटकर होने वाली है, क्योंकि फॉर्म वगैरह वही है लेकिन अब जो सबमिट करने का ऑप्शन है, अपील फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन है, वो बिल्कुल अलग तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे सबमिट करना है। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपको नॉर्मली अब क्या करना है, आपको जाना अपने मोबाइल के गूगल में, और दोस्तों गूगल में आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है लॉक्ड इन एलिजिबल। आप जैसे ही लॉक्ड इन एलिजिबल सर्च करोगे तो दोस्तों आपको फर्स्ट नंबर पर एक साइट दिखाई देगी लॉक्ड इन एलिजिबल फेसबुक। तो दोस्तों आपको नॉर्मली इस पर चले जाना है, और यहाँ से आपको रीडायरेक्ट कर देगा क्रोम पे। तो आप जैसे ही क्रोम वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको क्या कुछ कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है वो सब कुछ आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, बस आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो दोस्तों इसमें आपका नुकसान है, इसमें मेरा नुकसान नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं उस भाई का नेम फिल कर देता हूँ, संजय कुमार। तो इस भाई का नाम है संजय कुमार, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, इनका है 2004-20-11। इस भाई की जो मैंने डेट ऑफ बर्थ है वो ऐड कर दिया, और यहाँ पर आता है एक ऑप्शन है प्लीज प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ योर प्रूफ ऑफ रिलीज एंड गवर्नमेंट इशू आईडी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी अपना गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ऐड करना है, वो आपका पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड भी हो सकता है। लेकिन इस भाई ने मुझे अपना आधार कार्ड दिया है, तो मैं इस भाई का आधार कार्ड यहाँ पर ऐड कर देता हूँ जल्दी से चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। आपको भी नॉर्मली क्या करना है, चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी गैलरी में से जाकर अपना कोई भी आईडी प्रूफ ऐड कर देना है। तो मैं जल्दी से जाकर इस भाई का आईडी प्रूफ ऐड कर देता हूँ।
तो गाइस मैंने इस भाई का आईडी प्रूफ यहां पर ऐड कर दिया है। अब आता है जब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। तो दोस्तों हमने जो पहले अभी कॉपी किया था वो हमें यहां पर लाकर पेस्ट कर देना है। जो हमने अभी कॉपी किया था ना, वी विल टेक यू थ्रू सम स्टेप टू अनलॉक योर अकाउंट, तक वो हमें यहां पर नॉर्मली कॉपी पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर देना है। और यहां पर आपको लास्ट में एक लाइन ऐड करनी है। और दोस्तों वो लाइन क्या है, उसी से आपके अकाउंट पर जो है ऑप्शन चेंज होने वाला है। यहां पर आपको लिखना है, प्लीज प्रोवाइड मी अ रिकॉर्ड अ वीडियो ऑफ यूर सेल्फ ऑप्शन थैंक यू। तो मैं आपको लिखकर भी दिखा देता हूं कि हमें यहां पर लिखना क्या है। तो गाइस सिंपली बस आपको ये लिखना है, प्लीज प्रोवाइड मी अ रिकॉर्ड अ वीडियो ऑफ यूर सेल्फ ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, और नॉर्मली थैंक यू। इससे ज्यादा यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, और सिंपली आपको सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस रिक्वेस्ट को सबमिट कर देना है। सो गाइस नॉर्मली आपको ये रिक्वेस्ट सबमिट कर देनी है, और आपके अकाउंट पर ये ऑप्शन आने में 24 to 48 hours से लेकर 7 days तक का टाइम लग सकता है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस में रहकर ये काम करना होगा। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है igauravthakur001, आपको साइड में स्क्रीनशॉट भी दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको 110% हेल्प मिलती है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।